शिवसेना नेता संजय राउत बोले, महाराष्ट्र का 25 करोड़ बकाया केंद्र देने को नहीं है राजी। चीन मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी को कांग्रेस वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। पुडुचेरी में अब तक 21,428 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 16,253 मरीज हुए ठीक। संसद परिसर में विपक्षी दल कर रहे हैं प्रदर्शन, राज्यों का जीएसटी दिए जाने की मांग। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 364 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, 4 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, एलएसी पर हम अप्रैल में जहां थे उससे समझौता नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम चीन के साथ शांति से सुलझाना चाहते हैं मसला। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर शिवसेना संजय राउत बोले, हम सरकार के साथ हैं। टेरर फंडिंग में ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,241 नए मामले आए सामने, 13 मरीजों ने तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, घाटी में इस साल अब तक 165 आतंकी हुए ढेर। यूपी में योगी सरकार ने पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी, गाजियाबाद में होगा निर्माण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव, कहा मिलने वाले बरते सावधानी। मायावती ने किया फैसला, बसपा यूपी विधानसभा की सभी 8 सीटों पर लड़ेगी उपचुनाव। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, एक की हुई मौत, कई हुए घायल। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,159 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 97,894 नए मामले आए सामने, 1,132 मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 9,39,427 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में अब तक 2,97,60,579 लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी किए ढेर।